नंदिनी बहू, आप अपने और कुंवर के बीच में गलतफहमी क्यों रखना चाहती हैं? परिवार के किसी और को नहीं, लेकिन कुंवर के सवालों के जवाब तो आप दे ही सकती हैं। नहीं दादी सर, राजवीर जी ने अगर मुझे सीधा सीधा पूछा होता कि बात क्या है, तो मैं उन्हें सब कुछ बता देती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मेरे चरित्र पर सवाल उठाया, एक पति होकर अपने पत्नी पर विश्वास नहीं किया, जो कि दादी सा गलत था। हाँ नंदिनी बहू, पर कुंवर आप पर यकीन करते हैं, पर शायद उन्होंने उस दिन कुछ ऐसा देख लिया हो जिससे उनके मन में शक पैदा हुआ। अब आप ही बताइए कि उन्होंने ऐसा क्या देख लिया होगा जिससे उनके मन में शक पैदा हुआ हो। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो फार्म हाउस में कब आया और कब चले गए। ये आप क्या कह रही हैं नंदिनी बहू, आपको पता नहीं कि राजवीर फार्म हाउस कब आए और गए? आपकी तबीयत खराब थी, आप सो गई थी क्या? हम कुंवर से इसके बारे में बात करें? नहीं दादी सर, अगर सफाई देनी होती तो मासा और राजवीर जी को मैं उसी दिन दे देती। ठीक है, पर ये तो बताइए कि अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। अरे मैं उसे सरप्राइज बर्थडे पार्टी की बात कर रहा हूँ जो नंदिनी ने अब एक साथ मिलकर तुम्हें सरप्राइज देने के लिए फार्म हाउस में ऑर्गेनाइज की थी। ये आप क्या कह रही हैं नंदिनी बहू, आपको पता नहीं कि राजवीर फार्म हाउस कब आए और गए? आपकी तबीयत खराब थी, आप सो गई थी क्या? राजवीर क्या हुआ? कुंवर ये क्या हुआ, ये आईना कैसे टूटा? टूटना ही था दादी, आखिर उसे टूटना ही होता जब आप किसी का दिल तोड़ दें। राजवीर, राजवीर कुछ तो कहिए। हमने नंदिनी पर शक करके बहुत बड़ा अपराध किया है दादी। काश के उस वक्त हम अपने दिल की सुन लेते, काश के हम नंदिनी पे भरोसा रखते। नंदिनी ने अभय की हेल्प हमारी खुशी के लिए फार्म हाउस में हमारी सरप्राइज बर्थडे प्लान की, लेकिन उसके बदले हमने उन्हें क्या दिया? दादी साहब, राजवीर जी के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रही हूँ। दादी, नंदिनी के हम गुनहगार हैं। नंदिनी ने हमेशा हमारी खुशी के लिए ही सब कुछ किया। हमने उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाकर उन्हें इस घर से जाने के लिए मजबूर कर दिया। हमें तो उस दिन भी लगा था कि नंदिनी बहू गलत नहीं हो सकती, नंदिनी ने कहा था आंखें जो देखती जरूरी नहीं वही सच हो। ये क्या कर दिया दादी हमने, नंदिनी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। घिन आ रही है हमें अपने आप से, अब नंदिनी हमारी जिंदगी में लौटकर कभी नहीं आएगी। नहीं कुंवर, ऐसा नहीं कहते। नंदिनी इस घर की कुलवधु है, ये उनका अपना घर है, और किसी गलत फहमी से यूं रिश्ते नहीं टूटा करते। आपको अपने गलती का एहसास हो गया है और इसका पश्चाताप आप करेंगे, इसका हमें यकीन है। दादी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम
अपनी गलती जरूर सुधारेंगे। नंदिनी को इस घर में वापस लाकर दादी हमें आशीर्वाद दीजिए। हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ। बिल्कुल ठीक किया भाई आपने। अरे तो क्या बात कर रही है, पागल है क्या? राजवीर जी तेरे दीदी के पति हैं। ऐसा पति ना ही हो तो तू, तुझे पता भी है तू क्या बात कर रही है? अरे पत्नी का संसार अपने पति के साथ होता है। मॉम पति अगर औरत का संसार होता है ना तो पत्नी भी पति के लिए मायने रखनी चाहिए। आई एम सॉरी टू से, उन्होंने जो दीदी के साथ किया उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और पांडे जी आप क्या यहाँ बैठ के तमाशा देख रहे हैं? देख नहीं रहे किस तरह पटपट जबान चल रही है इसकी? ठीक ही तो कह रही है ये, क्या गलत कह रही है? पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, हर बात के साझीदार, कोई किसी से कम नहीं। पत्नी अगर पति के लिए उसका संसार है तो पति भी तो पत्नी के लिए उसकी सारी दुनिया है। क्यों बेटा, रितु ने कुछ गलत कहा क्या? दामाद जी अब आप यहां क्यों आए हैं? हमें नंदिनी से बात करनी है। दीदी आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। सिद्धार्थ रितु मां पापा प्लीज हमें नंदिनी से बात करने दीजिए प्लीज। हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, नंदिनी पर शक करके हमने बहुत बड़ी भूल की। हम यहां पे नंदिनी से माफी मांगने हैं, उन्हें साथ घर लेके जाने के लिए आए। देखिए आप दोनों ही समझदार हैं और ये मामला भी आप दोनों के बीच का है। अब आप चाहते हैं कि नंदिनी आपको माफ कर दे, आपके साथ घर चले, तो ये फैसला हम नंदिनी पर ही छोड़ते हैं। ठीक पांडे जी ये क्या बात कर रहे हैं आप? वही कह रहे हैं जो सही है। अब नंदिनी कोई बच्ची तो है नहीं, अपना अच्छा बुरा अच्छी तरीके से समझती है, हम अपनी मर्जी उसके ऊपर तो नहीं थोप सकते ना। प्लीज नंदिनी हमें माफ कर दीजिए, हमने आप पे शक किया, हमें गलत फहमी हो गई थी। प्लीज फॉरगिव मी प्लीज। नंदिनी बेटा सोच क्या रही है? दामाद जी तुझसे माफी मांग रहे हैं ना, जो हुआ उसे भूल जा और खुशी खुशी अपने घर चली जा बेटा। हमारी वजह से आप सबको भी दुख पहुंचा है, उसके लिए हम आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। अरे नहीं नहीं दामाद जी, इस तरह बार बार माफी मत मांगी, पति पत्नी में तो ये सब चलता ही रहता है। पानी हमारे यहाँ बिना पानी पिलाए मेहमान को नहीं भेजते।
नंदिनी बेटा ये क्या कह रही हो? बच्चों की तरह जिद नहीं करते। दामाजी ने माफी मांग ली है ना, अब चुपचाप अपने घर चली जाओ। माँ ये मेरा अपना घर, जहाँ आज तक किसी ने मेरे चरित्र पे उंगली नहीं उठाई, ना ही यहाँ पे कोई मेरा अपमान कर सकता है। यहाँ पे सब लोगों का मुझ पर अटूट विश्वास है। राजवीर जी, मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। कभी हे भगवान, कहीं ये लड़की कुछ कर ना ले। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी बेटा इस तरह जिद नहीं करते। बेटा दरवाजा खोलो। दीदी, नंदिनी, नंदिनी बेटा, दीदी गेट खोलो, दरवाजा खोलो। नंदिनी प्लीज दरवाजा खोलिए। नंदिनी प्लीज फॉर गॉड सेक हमें माफ कर दीजिए और घर चलिए। सुना नहीं आपने दीदी ने क्या कहा आपसे? आप जा सकते हैं यहाँ से। रितु, सिद्धार्थ, तुम लोग चुप रहो। नंदिनी, हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज। नंदिनी, आपने जो हमारे साथ वक्त गुजारा, कम से कम उसके खातिर तो हमें एक मौका और दे दीजिए। प्लीज नंदिनी, दरवाजा खोलिए। ठीक है नंदिनी, हम वापस चले जाते हैं, पर वापस जाने से पहले आखिरी बार आपको एक नजर देखना चाहते, प्लीज एक बार दरवाजा खोल दीजिए। नंदिनी, हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाए, कभी नहीं। नंदिनी, जब आपका साथ था तब जिंदगी थी, और अब आप नहीं तो जिंदगी भी नहीं है। नंदिनी, आपने ठीक कहा था, पाप आपसे नहीं हुआ, हमसे हुआ। हमने आप पर शक करके पाप किया, जब हमें आपका साथ देना चाहिए तब हम आप पर उंगली उठा रहे हैं। आपने हमें खुशी देने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश की, और उसके बदले हमने आपको दुख दिया। म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी हम आपकी वजह से जीते, हमारा इतना नाम, उसके बदले हमने आपको बदनाम किया। हमने अपनी दोस्ती के रिश्ते को गाली दी। नंदिनी, आप अपने इस दोस्त को माफ करेंगी ना, और हमारे साथ घर चलेंगी ना?
नहीं राजवीर जी, आपने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए मुझसे शादी की, मुझे अपने घर में रहने दिया, लेकिन पत्नी की जगह कमी नहीं थी। जब लगा कि हमारे बीच में सब ठीक होने जा रहा है तो आपने मेरे हाथ में डिवोर्स पेपर्स थमा दिया, और ये सब करके आपका जी नहीं भरा तो आपने मुझे चरित्रहीन तक कह दिया। राजवीर जी, कैसी दोस्ती, कहाँ की दोस्ती, जहाँ सिर्फ आप ही आप हैं और मैं कुछ भी नहीं। होना तो ये चाहिए था कि अगर जमाना मुझ पर उंगली उठाए तो आपने उन उंगलियों को तोड़ कर रख देना चाहिए था, पर हुआ ठीक उल्टा। आपके साथ घर चलकर मैं अपने आप को और बेइज्जत नहीं कर सकती राजवीर जी। क्या पता कल कुछ ऐसा हो जाए और आप मुझ पे फिर से शक करने लगे। मैं आपसे प्यार करती हूँ राजवीर जी, बहुत प्यार करती हूँ, और ये बात आज मैं खुलकर कह रही हूँ आपसे। लेकिन अगर मैं आपके साथ घर पर चली गई और फिर ऐसा कुछ हो गया और अगर मेरा प्यार आपके लिए नफरत में बदल गया तो ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, खुद से नफरत करने लगूंगी। बस नंदिनी बस, हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप हमारे वजह से अपने आप से नफरत करें। उससे अच्छा तो यही होगा कि हम आपसे दूर रहने की सजा भुगतें। आज के बाद आपकी हर एक याद से माफी मांगेंगे, आपके आंसू के हर एक कतरे से मिन्नतें करेंगे। हम देखते हैं आखिर कब दिल दिल की नहीं सुनता। दमाची के साथ गई नहीं? नहीं। जैसे ही राजवीर जी आए फूलों के साथ उनका स्वागत कीजिएगा। उन्हें लगना चाहिए कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद के सशक्त दावेदार हैं। अब है राजवीर को किसी भी वक्त अकेला मत छोड़िएगा। गायत्री जी, राजवीर जी आ रहे हैं। पूरी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत कीजिए। राजवीर रघुवंशी जिंदाबाद, राजवीर रघुवंशी जिंदाबाद, राजवीर रघुवंशी जिंदाबाद, राजवीर रघुवंशी जिंदाबाद, राजवीर रघुवंशी जिंदाबाद। राजवीर, क्या हो गया आपको? किस चीज से नाराज हैं आप? कुछ तो बोलिए। मां, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हम नंदिनी के गुनहगार हैं। नंदिनी मासूम है, नंदिनी ने कोई गुनाह नहीं किया। उन्होंने तो हमारी खुशी के लिए फार्म हाउस में मिडनाइट सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान किया था। हमने उन पर शक किया। बेटा, ये सब झूठ है। किसने कहा आपसे ये? किसने कहा, क्या फर्क पड़ता है? हमने अपने दोस्त नंदिनी को तो खो दिया ना। बेटा, आपको कोई बहका रहा है।
आपने तो खुद अपनी आंखों से देखा ना नंदिनी और अभय के साथ क्या। बस माँ बस, अगर नंदिनी वहां अभय के साथ फार्म हाउस में कुछ गलत कर रही थी तो फिर गुनेगार तो अभय भी हुए। तो फिर वो अभी तक आपके साथ यहां क्यों बने हुए? अगर अभय यहां पार्टी ऑफिस में तो फिर नंदिनी को घर के बाहर बेइज्जत करके क्यों निकाला गया? मेरा आपकी बात वाजिब है, पर ये भी तो सोचिए कि ऐसे मामलों में लड़की की तरफ से पहल ना हो तो लड़का कुछ नहीं कर सकता है। माँ ये क्या कह रही हैं आप? नंदिनी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, हम उनसे अभी मिलकर आ रहे हैं। लाख मिन्नतें करने के बाद भी वो यहां आने के लिए तैयार नहीं हुई क्योंकि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंची। अगर वो गलत होती तो यहां आने का ये मौका कभी नहीं छोड़ती। ठीक है बेटा रिलैक्स, अगर नंदिनी गलत नहीं है तो उनके साथ जरूर न्याय होगा। अब क्या न्याय होगा माँ? काश के हमने आपकी बात नहीं सुनी होती, काश के जो हमने देखा उस पर यकीन नहीं किया होता, काश के हमने अपने दिल की सुनी होती तो आज नंदिनी हमारे साथ अभी यहां होती। राजवीर, राजवीर, हमारा पासा तो हम पर ही भारी पड़ रहा है, पर चलो कम से कम वो इस घर में वापस तो नहीं आएगी।